Hello everyone, welcome back again in the lecture of level measurement. And this is the last lecture of the unit and the last lecture of the part in the units and as per the syllabus, the sensors part. After this particular lecture, we will learn about the data acquisition system, smart sensors and other kind of things a part of the sensors and transducers. So in the past lecture we have learned about the capacitive method of measurement of level, and in this lecture we will learn about the ultrasonic method of level measurement, its operation and characteristics. So मैंने पहले भी ये definition आपको बताई थी, दोबारा इस slide में रखी है कि हम level की बात करें तो ये वो एक level है जिससे हम बताते हैं कि इससे ऊपर क्या है, इससे नीचे क्या है, एक पर्टिकुलर नोड या पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ये बताते हैं, इससे कुछ चीज एक्स चीज ऊपर है, इससे वाई चीज नीचे है। और हम डिस्कस कर रहे हैं केवल सिलेबस की बात करें तो लिक्विड लेवल की, लिक्विड लेवल मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बेसिक लेवल मेजरमेंट और कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा एयर वॉल सिस्टम होता था। हम यहाँ अल्ट्रासोनिक टाइप पढ़ेंगे। तो थ्योरी हमारी तीन थी अलग अलग, जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखा उनको केवल बता दूं कि तीन अलग फिनोमेना हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लेवल को मेजर करते हैं। पहला वो जिसके अंदर इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेवल इज डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द लेवल, कैलिब्रेटेड इनटू द लेवल द ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक फोटोडायोड, लेजर्स एंड काइंड ऑफ डिवाइसेस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द लेवल मेजरमेंट। And for the displacement, there are capacitive, there are resistive and various kind of devices that are used for the